हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होगा, आज हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको आज का फ्यूचर परफेक्ट समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? तो यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने चुका है यूज करा था और फिर पास्ट परफेक्ट में हमने चुका था यूज करा था, तो फ्यूचर में लास्ट में क्या आता है? हमेशा ग आता है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? चुका होगा, चुकी होगी। चुके होंगे और इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, आ होगा। याद रखना है इनकी पहचान, जो परफेक्ट की जो पहचान होती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसकी अल्टरनेटिव पहचान ऐसी होती है, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ऐसे ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कि लिया होगा, किया होगा, सही है हमारी सिर्फ डेफिनेशन थी। यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, क्या होगा, तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर वन के साथ। हमेशा की तरह रूल नंबर वन हमारा कैसे होता है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, यहां पर हम यूज करेंगे विल हैव। यहां पर हमारा क्या यूज होगा? विल हैव यूज होगा। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, क्योंकि क्या है ये, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह काम कर चुका होगा, वह काम कर चुका होगा। तो इसको बनाते सेंटेंस बहुत इजी है। सबसे पहले क्या आ रहा है? वह, तो सब्जेक्ट हमने क्या लगाया? ही। फिर क्या आ रहा है? विल हैव। He will have, करना क्या होता है? Do, did, done, हमेशा थर्ड फॉर्म। अगर आपने थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लर्न नहीं करी है तो सबसे पहला स्टेप तो यही था कि आपको उसको लर्न करना है। जब तक आप उसे वर्ब को लर्न नहीं करोगे तो आपसे एक भी सेंटेंस हिलेगा भी नहीं। तो इसलिए आपको याद रखना है सब चीजों का। तो ही विल हैव डन, काम करना क्या होता है? वर्क। ही विल हैव डन वर्क, सिंपल। एक और सेंटेंस लेते हैं, मम्मी खाना बना चुकी होगी। तो इसको भी बना लेते हैं, सो मदर व
विल हैव बनाना क्या होता है कुक्ड हमेशा थर्ड फॉर्म याद रखना थर्ड फॉर्म यूज करनी आपको मदर विल हैव कुक्ड फूड सो ये हमारा रूल नंबर वन था रूल नंबर टू स्टार्ट करते हैं रूल नंबर टू हमारा क्या होता है इसी का नेगेटिव कर दो बस सिंपल खत्म होता है पहले रूल का ही नेगेटिव हो जाता है तो उसका नेगेटिव करेंगे तो हम कैसे करेंगे सब्जेक्ट लगाया मैंने विल नेगेटिव का नॉट फिर हैव फिर वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट तो इसका सेंटेंस ले लेते हैं इसे मैंने लिया दूसरी पहचान में लेता हूं थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसने काम नहीं किया होगा उसने काम नहीं किया होगा तो इसको बनाते हम सबसे पहले ही आ रहा है उसने को क्या बोलते हैं ही फिर विल फिर नेगेटिव का नॉट ही विल नॉट हैव फिर करना क्या होता है डू डिड डन ही विल नॉट हैव डन वर्क ही विल नॉट हैव डन वर्क ऐसे बनाते हैं सो आपको रूल नंबर वन एंड रूल नंबर टू क्लियर हो चुका होगा अगर रूल नंबर थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स करते हैं सो रूल नंबर थर्ड हमारा क्या होता है हमेशा की तरह मैंने आपको सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है विल फिर सब्जेक्ट फिर हमारा हैव फिर वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट तो इसका सेंटेंस बना लेते हैं क्या वह स्कूल जा चुका होगा क्या वह स्कूल जा चुका होगा इसको बना लेते हैं सबसे पहले क्या आ रहा विल तो विल वह के लिए ही हैव जाना क्या होता है गो एंड गॉन Will he have gone? कहाँ जा चुका है स्कूल Will he have gone to school? पहला सेंटेंस बन गया एक और सेंटेंस बना लेते हैं क्या उसने टीवी नहीं देखा होगा जो मैंने आ होगा यूज कर रहा नहीं देखा होगा तो इसको बना लेते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी मैंने विल फिर सब्जेक्ट का ही फिर हैव फिर वी थ्री सॉरी नेगेटिव हो गया तो क्या उसने टीवी देखा होगा विल ही हैव वॉच्ड टीवी सिंपल रूल नंबर फोर भी बना लेते हैं फटाफट तो रूल नंबर फोर क्या करते हैं रूल नंबर फोर रूल नंबर थ्री का ही तो नेगेटिव होता है इंटरप्रेटिव का ही नेगेटिव होता है अभी हमने इंटरप्रेटिव करा है तो रूल नंबर फोर करते हैं रूल नंबर फोर में क्या करेंगे विल सब्जेक्ट नॉट हैव वी थ्री एंड ऑब्जेक्ट का बना लेते हैं क्या वह गांव नहीं गया होगा क्या वह गांव नहीं गया होगा तो आ होगा आ रहा देखो क्या वह गांव नहीं गया होगा सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हमारे वेरी इजी है तो सबसे पहले मैंने क्या लगा विल सब्जेक्ट ही फिर नेगेटिव का नॉट फिर हैव विल ही नॉट हैव जाना क्या होता है गो वेंट गॉन विल ही नॉट हैव गॉन टू विलेज
बहुत इजी था। एक को सेंटेंस ले लेते हैं, मैं बहुत इजी सेंटेंसेस ले रहा हूँ ताकि सर पहले आपको रूल बनाना आ जाए, आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम वर्कशीट की प्रैक्टिस करा करेंगे। मैं आपको एक वर्कशीट दिया करूंगा हर बार जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा एंड होने पर, ताकि आप साथ में घर पे बैठ के कर सके, मेरे साथ साथ चल सके। सो सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, क्या उसने खाना नहीं खाया होगा? आप घर पे बैठ के और सेंटेंसेस ट्राई कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे हमने क्या सीखा अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो। तो क्या उसने खाना नहीं खाया होगा? सबसे पहले विल ही नॉट, देखो मैं सिर्फ रूल को देख के बना रहा हूं, हैव, विल ही नॉट हैव, खाना क्या होता है, ईट एट ईटन, विल ही नॉट हैव ईटन फूड। अब रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 बना लेते हैं। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या होता है, रूल नंबर 5 में हम हमेशा सबसे पहले क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू इज फैमिली, जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा, डब्ल्यू इज फैमिली, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल रूल था, डब्ल्यू इज फैमिली, विल, सब्जेक्ट, हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं, पहला सेंटेंस ले लेते हैं, उसने चोरी क्यों की होगी, उसने चोरी क्यों की होगी। देखो जब भी ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं, क्यों, कहां, कब, कैसे वाले सेंटेंस, तो डब्ल्यू इज फैमिली हम हमेशा पहले लगाते हैं। सो सबसे पहले क्यों आ रहा था, मैंने लिखा वाई विल ही हैव, चोरी करना क्या होता है, स्टिल, स्टोल, स्टोलन, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वाई विल ही हैव स्टोलन, बस इतना ही था, अगर कोई चीज होती तो वो लगा देते। सो रूल सेकेंड सेंटेंस बना लेते हैं, उसने झूठ क्यों बोला होगा, उसने झूठ क्यों बोला होगा। देखो मैं जानबूझकर आ होगा वाली पहचान यूज कर रहा हूं ताकि आपको दूसरी पहचान से भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो उसने झूठ क्यों बोला होगा, सबसे पहले क्यों आ रहा, तो वाई विल, उसने वो क्या बोलते, ही, वाई विल ही, बोलना क्या होता है, स्पोकन, और झूठ को क्या बोलते हैं, लाई, आप इसको टेल लाई भी लिख सकते हो। तो वाई विल ही, तो आप एस जैसे मर्जी उसको सर, वाई विल ही स्पोकन लाई। सो रूल नंबर 6 बना लेते हैं, रूल नंबर 6 हमारा क्या होता है, हमेशा की तरह डब्ल्यू इज फैमिली, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, डब्ल्यू इज फैमिली, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं, वह उसके घर क्यों नहीं गया होगा, वह उसके घर क्यों नहीं गया होगा। तो सबसे पहले क्यों आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, वाई, वाई विल ही, नेगेटिव का नॉट, वाई विल ही नॉट हैव
जाना क्या होता है, गो वेंट गॉन गॉन टू हिज हाउस. तो वाई विल ही नॉट, वाई विल ही नॉट हैव गॉन टू हिज हाउस. सो ये हमारा रूल नंबर 6 था. आई होप आपको सारे रूल समझ में आए होंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.